गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ ज्योति विजय, क्लास थर्ड, इंग्लिश ग्रामर, फोर, चैप्टर फोर, एक्शन वर्ड्स. वी रीड अबाउट दिस चैप्टर इन आवर प्रीवियस वीडियो. हेयर वी रीड अगेन. ओके, एक्शन वर्ड्स मीन्स वर्ब्स. ठीक है, अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे. आज भी हम इसमें केवल रीडिंग करेंगे और एक्सरसाइज फिल करेंगे, नोटबुक का कोई वर्क नहीं है अभी. ठीक है ना. ए वर्ब डेफिनेशन. ए वर्ब इज ए वर्ड डैट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग्स. एक वर्ब वो होती है जो कि एक वर्ब एक शब्द होता है जो कि हमें बताता है कि व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहे हैं. ठीक है ना. ठीक है ना. कविता इज राइटिंग ए लेटर. कविता क्या कर रही है? राइटिंग ए लेटर. तो ये राइटिंग क्या है? वर्ब है. सेकेंड सेंटेंस देखिए. स्टार आर शाइनिंग इन द स्काई. तो शाइनिंग स्टार क्या कर रहा है? चमक रहे हैं. तो शाइनिंग क्या है? वर्ब. ठीक है. वी हैव वॉन द मैच. हम मैच जीत गए. तो वॉन क्या है यहाँ पर? वर्ब. ठीक है. ए वुमैन इज कुकिंग फूड. एक महिला क्या बना रही है? कुकिंग फूड कर रही है. तो कुक करना क्या हो गया उसका? वर्ब. द बॉय विल बाय एन आइसक्रीम. तो यहाँ बाय भी क्या है? वर्ब. देखो अब हमें क्या करना है. और यहाँ देखिए आपको दे रखा डेफिनेशन में द वर्ड इज आर है वाज वर और विल आर द आर ऑल हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. जनरली इज एम आर वाज वर हैज हैव ये सब क्या होती है? डू डज डिड ये सब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब. ये अपने साथ नोट लेती है. ठीक है ना. जब आपको मैं वर्क कराऊंगी तब इसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी. ठीक है ना, कि हेल्पिंग वर्ब्स के बिना नोट पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, एक्शन वर्ड अपने साथ नोट नहीं लेता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स की हमें आवश्यकता पड़ती है. ठीक है, यहाँ देखिए आप एक्सरसाइज फर्स्ट. पिक आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. ठीक है, हमें वर्ब निकालनी है. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. तो यहाँ ये क्या है? वर्ब है. सेकंड देखिए. ए बॉय हैज़ कट हिज हैंड. ठीक है, ए बॉय हैज़ कट हिज हैंड. तो यहाँ हैज़ कट क्या है? यहाँ पर हैज़ कट यहाँ पर क्या है? हैज़ कट यहाँ पर वर्ब है. ओके, नाउ थर्ड. द पुलिस मैन वाज बॉलिंग हिज विशल. तो देखो वाज बॉलिंग यहाँ पर क्या है? वर्ब. ओके, नाउ देखिए द क्लॉक टिक्स ऑल द डे लॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ टिक्स क्या है? वर्ब है. कैट इज स्लीपिंग ऑन द रग. तो यहाँ इज स्लीपिंग भी क्या है? वर्ब है. ठीक है ना, इज स्लीपिंग यहाँ पर हमको यहाँ राइट करना है. ठीक है, इज स्लीपिंग क्या है? वर्ब है. देखो सूरज चमक रहा है. ठीक है ना, एक लड़के ने अपना हाथ काट चुका है. तो हैज कट यहाँ वर्ब है. पुलिस मैन वाज बॉलिंग. जो पुलिस मैन है सिटी बजा रहा है, तो फिर वो बॉलिंग करना भी क्या हो गया? उसका वर्ब है. ठीक है, द क्लॉक टिक्स ऑल द डे लॉन्ग. पूरे दिन भर घड़ी की जो सुई है वो टिक टिक करती है. ठीक है ना, तो द कैट इज स्लीपिंग. जो बिल्ली है वो इज स्लीपिंग ऑन द रग. तो वो सो रही है. ठीक है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग. तो यहाँ वर प्लेइंग भी यहाँ क्या है? वर्ब है. हम यहाँ वर्ब पढ़ रहे हैं. ठीक है ना, नेक्स्ट वी ईट एट लीस्ट थ्री मील. तो ईट यहाँ खाना खाना भी क्या है? वर्ब है. ओके, आई एम प्लेइंग. यहाँ प्लेइंग क्या है? वर्ब है. ठीक है, आई एम प्लेइंग यहाँ ये क्या है? वर्ब है. ओके, नाउ शी विल सिट देयर. तो विल सिट यहाँ पर क्या है? वर्ब है. ओके, तो देखो हमने यहाँ वर्ब को डिफाइन करना था, तो वर्ब भी बोल रहा था. वर्ब को आपको निकालना था, तो हमने वर्ब को यहाँ निकाल दिया. फर्स्ट में इज शाइनिंग, सेकंड में है स्कर्ट, थर्ड में वाज बॉलिंग, फोर्थ में टिक्स, फिफ्थ में स्लीपिंग, सिक्स में वर प्लेइंग. ठीक है, सेवन्थ में ईट, एट्थ में एम प्लेइंग, एंड नाइन्थ में विल सिट. ठीक है, नाउ यू फिल इन योर बुक. ठीक है, नाउ यू अंडरलाइन एंड राइट इट इन दिस कॉलम. ठीक है, एंड रिवाइज अगेन. थैंक यू.